आइडियोलॉजिकली तालमेल है तो पर्सनल ईगो या पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख के विचारधारा को आगे रखना होगा और उसके लिए जोड़ना होगा। अगर उसमें कहीं बाधा आती है तब तो फिर सबके लिए दिक्कत है, फिर सबको अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ना होगा। लेकिन सर, राजद के लोगों ने सीएम का जो चेहरा है वो अभी से ही तेजस्वी यादव को मान लिया है। देखिए, सभी पार्टी का अपना अधिकार है, पार्टी अपना डिसीशन ले उसका, उस पार्टी को अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक, आपने देखा होगा कि जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसमें जो प्रावधान है कि एक बार बहुमत आता है उसके बाद चुने हुए लोगों को पूछा जाता है और फिर पार्टी हाई कमांड सीएम या पीएम डिसाइड करते हैं। कुछ आपने साफ शब्दों में सुन लिया किस प्रकार से कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोहिल बिहार में सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव को मानने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें सलाह भी दे रहे हैं पर्सनल ईगो छोड़ने का। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि बिहार में विपक्ष के सभी दलों को एकजुट करने की जरूरत है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या पप्पू यादव हो। इशारों में उन्होंने खुलकर नहीं बोला पप्पू यादव के बारे में। वहीं जीतन राम मांझी भी अब पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार के चेहरे जो होंगे मुख्यमंत्री के वह तेजस्वी यादव नहीं होंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा हुआ था। और वहीं मुकेश सहनी भी चाह रहे हैं कि वहां गठबंधन मजबूत हो और मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। वहीं पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं महागठबंधन को लेकर, क्या पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होंगे या किसने पीछे बनाएंगे, सुनिए इस रिपोर्ट। क्या जनाधिकार पार्टी भी उसके सामने? अब मुझे नई जानकारी कि महागठबंधन है या नहीं है, कौन इसके नेता है, क्योंकि विपक्ष आजादी के 70 साल के बाद पहली बार बजट सेशन में विपक्ष नहीं था। 350 लोग मर गए तब नहीं था, 350 लू में मर गए तब नहीं था, बाढ़ में 750 लोग मर गए तब नहीं था, बलात्कार और अपराध इतने थे तब नहीं था। जब विपक्ष ही नहीं है बिहार में, कांग्रेस को नेतृत्व करने की, कांग्रेस ने सीधा आज उनके महासचिव ने कहा है कि किसी भी कीमत पर, आप देख लीजिए गोयल का क्या बयान है, बातें सीधी और बिहार के हित में होगी। हम चाहते ही हैं अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों का मुख्यमंत्री हो इस बिहार में, ये मेरा संकल्प है। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व करे और हम बधाई देंगे महाघटक गठबंधन धर्म के नेताओं को, यदि सुबुद्धि दे दे और सब अहंकार से निकले और बिहार को बचाने की बारी आए। पप्पू यादव का समझौता अत्यंत पिछड़ी जाति और दलित नेतृत्व का संकल्प है, जो भी इस संकल्प को आगे बढ़ाएगा पप्पू यादव उसके साथ खड़ा होगा। मैं सीधा हूं, उस पर मेरी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये जो महागठबंधन के बड़े आरजेडी का महत्व था, लालू यादव ही सामाजिक न्याय का महत्व था, उसके बाद कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो नेतृत्व करे और जिन दलों को रखे रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमें दूर रखे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि बिहार अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों का संकल्प।